नमस्कार दोस्तों, आज बनाते हैं पोटैटो स्पाइरल स्ट्रीट स्टाइल, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के आलू लिया, उनको धो दिया मैंने, छिलने की ज़रूरत नहीं। साथ ही साथ यहाँ पे पोटैटो स्पाइरल मशीन का यूज़ मैं कर रहा हूँ। इस मशीन के थ्रू हम एक अच्छा पोटैटो स्पाइरल की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे वुडन स्क्यूअर मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको बीचों बीच से घुसा लेना है एकदम सेंटर में। उसके बाद स्पाइरल पोटैटो जो मशीन है उसमें इसको फिट कर लेना है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, पहले पीछे खींचा जाता है, फिर जो वुडन स्क्यूअर है उसको अंदर से बाहर की तरफ डाला जाता है और पीछे की साइड से मशीन को हैंडल को घुमाना पड़ता है, जिससे कि हमें एकदम फाइन स्पाइरल शेप मिल जाए। इस तरफ से आलू घुसाओ, उस तरफ से सोना निकालो। तो इसी कुछ इस तरह से शेप आ चुका है इसका। इसका एकदम धीरे धीरे इस तरह से खोलना है हमें नीचे की साइड को। इसी दोस्तों, स्पाइरल शेप देने के बाद इसका जो डिज़ाइन है कितना अच्छा लग रहा है, एकदम अट्रैक्टिव, इसीलिए बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। अगर स्पाइरल पोटैटो घर में बनाने तो कैसे बनाएं? तो इसी का भी ये सेम तरीका ही है। ऐसी तरह से वुडन स्क्यूअर में इसको सेंटर में घुसाना पड़ता है। स्पाइरल कटिंग के लिए ज़रूरी है हमें नाइफ चलाना आना चाहिए एक अच्छा स्पाइरल शेप देने के लिए। अदरवाइज इतना झंझट में पड़ने की ज़रूरत भी नहीं। मशीन है, बहुत सस्ता है, आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं आपको यही लेनी है। कोई भी सस्ता पोटैटो स्पाइरलर आप मार्केट में फाइंड आउट कर सकते हैं, 1200-1500 में मिल जाता है आसानी से। इससे भी लो रेट में मिल जाते हैं ऑनलाइन, तो आप इसको आसानी से बाय कर सकते हैं। कभी अगर घर में ऐसा बच्चों को खिलाने का मन करे तो आप इसको ज़रूर ट्राई। तब तक हमने जो पोटैटो का उसको पानी में डाल दिया था, सॉल्टी वाटर में। दूसरी तरफ यहाँ पर बैटर की तैयारी कर रहा हूँ मैं। इक्वल क्वांटिटी मैदा, इक्वल क्वांटिटी यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डाला, सीजनिंग में थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा चिल्ली पाउडर डाल रहा हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पे इंडियन ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही साथ थोड़ा ब्लैक पेपर भी डाल दिया है। पानी डाल के एक बैटर की तैयारी कर लेंगे। सो यहाँ पे जो बैटर की कंसिस्टेंसी है एकदम थिन होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर गाढ़ा रहेगा तो पोटैटो स्पाइरल की जगह पोटैटो पकौड़ा बन जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रहे, जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी थिन रहे, एकदम रनी रहे, आपको स्किन पे दिख जाएगा। जैसे कुछ इस तरह से इसका कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी। तो इस तरह से स्पाइरल को हम इस पर कोटिंग कर लेंगे। सो बेसिकली हल्का हल्का चिपक जाए उतना ही चाहिए, एकदम ज़्यादा चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी एक्सेस रहेगा वो निकल जाएगा इसी में। तो इस तरह से हिला लें, ताकि जो बैटर है, एक्स्ट्रा बैटर रहेगा इसमें, वो सीधा निकल जाएगा। बेसिकली हमें एकदम थिन लहर चाहिए होती है प्रोटेक्शन करने के लिए पोटैटो की बॉडी को, दैट्स इट। इससे ज़्यादा नहीं कि उसको पकौड़ा बन जाए, एकदम फूल जाए, तो फिर तो पकौड़ा ही हो गया, स्पाइरल कहाँ से हो गया, है ना। इसी तरह सारे स्पाइरल को मैं यहाँ पर करीबन 2-3 बनाया हूँ। इन सबको मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई कर लूँगा, उसके बाद हार्डन करने वाला इसको निकाल दूंगा, थोड़ी देर रेस्ट दूंगा, फिर अगेन इसको फ्राई एकदम क्रिस्पी कर लूँगा। दूसरी बात, मैं पहले भी बताया था कि इसके ट्विस्ट अलग अलग दे सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है इसको बैटर में डालना ज़रूरी है। आप डायरेक्ट इसको वैसे भी फ्राई कर सकते हैं। हाँ, चटगारा आप जिस हिसाब से इसका टेस्ट चाहिए उस हिसाब से आप इसका बना सकते हैं, जैसे कि चाट मसाला डाल के भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। पोटैटो स्पाइरल हाफ फ्राई होने के बाद इनको निकाल लेना है, अगेन थोड़ा सा ऑयल को गर्म करना है फिर से, फिर दोबारा डालना है। सो दोबारा डालने से होगा कि एकदम क्रिस्प क्रंची हो जाएंगे। तो इसी अगेन मैंने इसमें ऑयल में डाल दिया है। अब एक चमटा की सहायता से इसको घुमाते रहना है, ताकि जो पोटैटो स्पाइरल है वो चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए एक जैसा। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो देखा आपने दोस्तों, इसका जो कलर्स है वो चेंज हो चुके हैं, एकदम नाइस गोल्डन क्रिस्प कलर हो चुका है। इसको अब निकाल लेते हैं प्लेट में। अब इसको अलग अलग पेस्ट में देना, जो भी आपको पसंद है। आप चाहिए तो ऊपर से सिर्फ चाट मसाला डाल के भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। कोई भी मसाला, जो भी आपको पाउडर बेस में मसाला हो, या चाहिए तो म्योनीस वगैरह, या चाहिए तो चीज़ बेस में, चाहिए तो चीज़ इसमें डाल सकते हैं। तो यह मेरे पास पड़ा है होममेड चाट मसाला, तो मैं एक चाट ट्विस्ट में इसको दे रहा हूँ। तो गर्मा गर्म जब इसे निकालते हैं और ऊपर से मसाला डालते हैं, इसे फटाफट इसी में चिपक जाता है। इसी तरह से मेरे पास पड़ा है यहाँ पे चीज़ पाउडर, तो दूसरे वाले को मैंने चीज़ पाउडर में देने की कोशिश किया,
इसी जैसे मैं इसमें चीज़ का पाउडर ऊपर से डाल रहा हूँ तो इसका सारा चीज़ पकड़ लिया है। तो इस तरह से इसको लपेट लेना है ताकि जो मसाला इसमें अच्छे तरह से चिपक जाए। तो जैसे कि मैंने बोला था, मैं यहाँ पे इंडियन ट्विस्ट में दे रहा हूँ, तो सबसे पहले दही प्लेट में प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ यहाँ पे इसका। तो एक स्प्राइडर हमने यहाँ पे रखा, साथ ही साथ उस पर डाल देंगे थोड़ा सौंठ की चटनी, थोड़ा हरी चटनी, ऊपर से थोड़ा चाट मसाला छिड़ के इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। सो इसके बहुत सारे ट्विस्ट हैं देने के, जो भी ट्विस्ट आपको पसंद है, जो भी आपको अच्छा लगता हो, चटपटा या कोई सॉस या डिप, या आप कोर्स टमाटो केचप के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, या कोर्स जैसे कि मेयोनीज, ऊपर से मेयोनीज डाल के थोड़ा टमाटो केचप के डाल साथ, जैसे स्ट्रीट स्टाइल में अक्सर बनता है, चाहे तो मेयोनीज में फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हनी मस्टर्ड मायो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ, तंदूरी मायो या मिंट मायो, जो भी आपको फ्लेवर मैं अगेन बोल रहा हूँ पसंद है, उस हिसाब से इस पोटैटो स्प्राइडर का एकदम स्ट्रीट स्टाइल जैसा ट्विस्ट आप इंजॉय कर सकते हैं आसानी से। तो आपको कैसा लगा पोटैटो स्प्राइडर की रेसिपी, ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल सेफ सुनील सिंह को, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।